विर्चो ने बताया okay. माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था वो भी दिखाया था मैंने आपको फॉर्मुलेट okay. किया गया था सेल थ्योरी को तो सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी क्या है वो भी हमने देखा था सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था ओके okay, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरा पॉइंट मेरा ये था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तीसरा पॉइंट था ऑल सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स उसका अगला वाला जो पॉइंट था ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ओके एंड देर आर सम सेल्स विच आर टोटी पोर्टेंटो कुछ सेल जो होते हैं वो टोटी पोर्टेंट होते हैं तो लास्ट में लास्ट वाले सेक्शन में वी हैव डील्ड विदेप्ट ऑफ

प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक न्यूक्लियस अगर वेल well डेवलप नहीं है तो प्रो कैरियोटिक सेल है अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो ये किस टाइप का सेल है यू कैरियोटिक और इसके अंदर आपका प्लांट सेल एनिमल सेल बैक्टीरिया का सेल फंगस का सेल सब कुछ सेल्स आ जाते हैं लेकिन माई पॉइंट इज ऑल सेल्स कॉमन कैरेक्टर्स उनके अंदर डेफिनेटली डिफरेंसेस है प्लांट सेल अलग है एनिमल सेल अलग है आपका बैक्टीरिया का सेल अलग है differences की बात नहीं करने वाले हम, जितने भी cells के के नाम ले रहा हर अंदर क्या है, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं ओके okay, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तो सबसे पहला कैरेक्टर है ईच सेल इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी सेल ले लो हर सेल के बाहर एक कवरिंग आपको देखने को मिलेगा एंड दैट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो जो सेल का कवरिंग है उस कवरिंग को क्या बोलने वाले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा बोलने वाले हैं ये सबको पता होगा सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं कि मान लो कि ये आपका एक सेल है और ये आपके सेल की आउटर बाउंड्री है तो सेल की जो आउटर बाउंड्री है उस आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द पॉइंट इज प्लाज्मा मेंब्रेन इज मेडअप ऑफ लिपो प्रोटीन किसी भी सेल में यह जो प्लाज्मा में किससे बना होता है इट इज अफ लिपिड एंड प्रोटीन इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने वाले हैं ओके okay, लेकिन फिलहाल यह ध्यान में रखो हर सेल में आउटर कवरिंग होगी और वह आउटर कवरिंग होगी आपकी प्लाज्मा मेंब्रेन केमिकली यह जो प्लाज्मा मेंब्रेन है ट विल बी मेडअप ऑफ लिपो प्रोटीन लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंपल देन इन एवरी सेल यू कैन फाइंड वन लिविंग सब्सटेंस यहां पर मैं यह ड्रॉ करने वाला हूं विद्पऑफ दिख रहा होगा आप सब लोगों को तो ये हर सेल के अंदर मैं बात कर रहा हूं जो भी किस टाइप का सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है लिविंग सब्सटेंस है दिस लिविंग सब्सटेंस

कहीं पे भी चले जाओ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो ओके तो वो बहुत ईजी हो जाएगा तो इस प्रोटोप्लाजम की जब हम बात करेंगे ओके तो प्रोटोप्लाजम सेल के अंदर आपको पता है इज अ अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस है ओके तो यहां पे एक डार्क बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं अंदर आपका क्रोमैटीन मतलब डीएनए प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर देर इज वन ट्रांसपरेंट मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाजम न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है तो माय पॉइंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म ये जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म, है दोनों को कंबाइन करके एक साथ मिला के क्या बोलने वाले हम प्रोटोप्लाज्म ऐसा बोलने वाले हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म का आपको पता होना चाहिए वन मोर पॉइंट प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर नाइंटी परसेंट क्या मिलेगा आपको वाटर मिलेगा जनरली वॉटर इज कॉल्ड लाइफ ओके पहली सेल जो बनी थी अर्थ के ऊपर पहली लाइफ जो बनी थी इट वॉज ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन द वॉटर तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कभी मार्स के ऊपर जा रहे हैं हम तो मार्स पे अगर मैं लाइफ ढूंढ रहा हूं तो वहां पे हम लिविंग मिल रहे 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 कि नहीं वो नहीं वो खोज खोज हम वहां पे पानी खोज रहे हैं अगर मार्स के ऊपर पानी मिल जाएगा तो हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि वहां पे लाइफ भी हो सकती है इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिविंग सब्सटेंस को आपने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म लाइफ है और उसके अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा है आपका वॉटर एंड अलोंग विद बचा हुआ जो टेन है ट विल बी अराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल ओके अभी यह दो वर्ड भी है यह भी दिमाग में प्रॉपरली फिट करने है बहुत बार जाएंगे ऑर्गेनिक क्या होता है इनऑर्गेनिक क्या होता है यह भी पता होना चाहिए और यह बहुत ही ज्यादा सिंपल है ओके okay? <coughs> मतलब ये जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है ऑर्गेनिक का मतलब क्या है एनी थिंग विच इज एनीथिंग विच इज हैविंग कार्बन ऐसा कोई भी कंपाउंड ऐसा कोई भी मटेरियल जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है कार्बन प्रेजेंट है उसको आपको क्या बोलना है ऑर्गेनिक बोलना है और ऐसी कोई भी चीज जहां पे कार्बन एब्सेंट है उसको आपको क्या बोलना है इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल लेते हैं मान लो यहां पे मैंने लिखा है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज है अभी इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो ये आपका किस तरह का मटेरियल हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल और एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं कैसा है हाइड्रोजन और ये हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है और ये हो गया आपके सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओके नाउ अगला कैरेक्टर आपको कौन सा याद रखना है सेल चलो अगला कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं ओके एवरी सेल हैज जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो जनरली क्या होता है डीएनए एंड इट रेगुलेट द सेल्यूलर फंक्शंस और ये डीएनए जो है आपके सेल्युलर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है रेगुलेट कर रहा है मतलब सेल के अंदर जो भी काम चल रहा है सेल के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है ये जेनेटिक मटेरियल, जो एक्चुअली कौन होता है डीएनए। तो ये हर सेल के लिए कॉमन रहेगा हम क्या पढ़ रहे हैं वो भूलना नहीं है वी आर स्टडिंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल हम सेल के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं ओके ना अगला जो पॉइंट है अगला कांसेप्ट जो है अगला कैरेक्टर क्या है आपके सेल के अंदर जो भी रिएक्शन चल रहे हैं दे आर जनरली कॉल्ड एज़ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि आपके सेल में जितने भी अलग-अलग टाइप अलग के रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को मैं क्या बोलने वाला हूं मेटाबॉलिक रिएक्शंस और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इट इज प्रोटीन सिंथेसिस पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल योर आंसर शुड बी प्रोटीन सिंथेसिस ओके हर सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर कोई होता है तो वो है प्रोटीन को बनाना शायद आपने ये टेंथ स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा एक ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम नाम का विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जिसको हम सेल की क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऐसा बोलते हैं ओके तो ये जो कंसेप्ट है आपका जो मेन फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन वो क्या है आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस इन साइड द सेल सेल के अंदर किस टाइप का प्रोटीन बन रहा है इट इज गोइंग टू डिसाइड द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ये आपके सेल के फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा मतलब वो सेल जो है कुछ सेल्स जो है वो राउंड शेप के होते हैं तो भी ये जो बात कर रहा हूं ये जो अलग अलग शेप है सेल का ये जो फॉर्म या स्ट्रक्चर है दिस इज ड्यू टू द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस इन साइड द सेल ये आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है उसकी वजह से आ रहा है सिंपल ओके okay. तो ये चीज हमको प्रॉपर्ली क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए ओके अगले पॉइंट की तरफ चले जाते हैं अभी अगले जो पॉइंट्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ओके अगला मेरा पॉइंट क्या है यहां पे ओके आपकी ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये पॉइंट मैंने आपको कल ही बता दिया था ईच सेल अराइजेस फ्रॉम व्हाट प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन

सेल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वापस मैं बोल रहा हूं ओके इट इज इन द फॉर्म ऑफ़ डीएनए, इट गेट पास फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू जीन्स। आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल की ये एक सेल से दूसरे सेल तक पास हो जाएगी किसकी मदद से जीन्स की मदद से डीएनए के छोटे सेगमेंट को जीन बोला जाता है आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्या है डीएनए उसी डीएनए के एक छोटे सेगमेंट को एक टुकड़े को आप क्या बोल सकते हो जीन ऐसा बोल सकते हो ओके okay? और सबसे लास्ट कैरेक्टर यहां पे क्या याद रखना है दैट द बेसिक कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या बोल रहा हूं बेसिक कंपोजिशन किसका प्रोटोप्लाज्म का रिमेंस सेम इन ऑल सेल्स ओके मतलब आपका प्रोटोप्लाज्म का जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर सेम होता है ओके सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है सेल के जो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए ओके okay, वापस एक बार मैं इसको शॉर्टकट में समझाने वाला हूं सबसे पहला पॉइंट ओके okay, आपने बताया एवरी सेल इज एनक्लोज बाय कवर बाय प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन केमिकली किससे बना हुआ है लिपो प्रोटीन से बना हुआ है

उसके बाद सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए के फॉर्म में जो सेलुलर फंक्शन को सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है सेल का वो कौन सा है प्रोटीन सिंथेसिस और जो प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेल ये पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े थे

कमेंट कर दो कि ये चीज यहां तक समझ में आ गई है सो दैट आई कैन स्टार्ट अभी एक्चुअली क्या करने वाले हम सेल्स के टाइप को स्टार्ट करने वाले हैं. Yes. चलो आई एम वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है फटाफट केशव संदेश मीत रोहिणी क्या बात है भगेश प्रतीक <coughs> चलो बाकी के जो लोग लाइव है उन्होंने भी कमेंट करना है फटाफट सानिका प्रतिभा संस्कृति क्या बात है वेदिका चलो और लोग कौन है प्रतीक है ऋतुजा है भास्कर वेदिका को भी समझ में आ गया क्या बात है यस वेदांत क्या बात है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट वन चलो ठीक है आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है तो अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स हम कहां पे इंटरेस्टेड है अभी सेल्स के टाइप्स में ओके okay. तो कंसेप्ट ये है आपके सेल्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं ओके okay. यहां पे लिखने वाला हूं मैं वन इज नोन एज अ प्रोकैरियोटिक सेल जो पहला टाइप है आपका वो कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा जो टाइप है इसको हम बोलने वाले हैं यू कैरियोटिक सेल नाउ इन दोनों सेल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बट बिफोर गोइंग टू दिस ओके दोनों के मीनिंग शॉर्टकट में समझा देता हूं और जैसे मैंने बोला था बायोलॉजी में आपको वर्ड्स को स्प्लिट करना है स्प्लिट करके उनके मीनिंग एक बार आपके दिमाग में फिट हो गए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा या फिर ये बहुत सिंपल भी हो जाएगा तो सबसे पहले यहां पे ये जो वर्ड है प्रो इसका मतलब होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव का मतलब है ओल्डेस्ट ओके okay? और एक और वर्ड है मेरे पास द वर्ड इज कैरी ऑन द मीनिंग ऑफ कैरी ऑन इज न्यूक्लियस कैरी का मतलब क्या लेना है यहां पे न्यूक्लियस ऐसा लेना है सो सिंपल है द सेल विच हैज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस और इन सिंपल लैंग्वेज द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल और यहां पे यू का मतलब होता है ट्रू और गुड ओके दूसरा जो वर्ड है वो सेम है Carry on, carry on का मतलब क्या हैज न्यूक्लियस और गुड न्यूक्लियस दोनों में समझ में आ गया होगा अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो प्रो कैरियोटिक अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप है तो यू कैरियोटिक okay. आपके प्रो कैरियोटिक सेल में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपके बैक्टीरिया के सेल्स या फिर देर सम बैक्टीरिया कॉल्ड साइनो बैक्टीरिया बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास कोई नदी है तो पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है तो वो जो ग्रीन कलर का लेयर वहां पे बना हुआ है एक्चुअली वो साइनो बैक्टीरिया है ओके तो मैं बोल रहा हूं ये जो बैक्टीरिया है साइनो बैक्टीरिया है दे हैव अ टाइप ऑफ सेल 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 ओके यू टॉक अबाउट प्लांट प्लांट जब हम plant cell की बात करते हैं या फिर वेन यू टॉक अबाउट एनिमल सेल और द सेल्स ऑफ फंगाई तो ये फंगस की सेल हो गई एनिमल सेल हो गई प्लांट सेल हो गई दे ऑल आर द ऑफ एग्जाम्पल्सियोटिक सेल ये सारे के सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके यू कैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जाने वाले हैं ओके विथ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल सबसे पहले हम कौन से सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे प्रो कैरियोटिक सेल का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या है मीनिंग ओके द सेल डू सेव अ वेल डेवलप न्यूक्टिक सेल एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया मतलब हम बैक्टीरियल सेल को ही स्टडी करने वाले हैं बट बिफोर गोइंग टू दिस देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द शेप मैं बात कर रहा हूं किसकी बैक्टीरिया की और इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है उस हिसाब से इसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं चार टाइप के बैक्टीरिया होते हैं तो वो कौन से कौन से हैं वो देखते हैं आपका जो सबसे पहला टाइप है बैक्टीरिया का ओके दिस इज कॉल्ड एज बैसिलस पहले टाइप को क्या बोलना है आपको बैसिलस ऐसे बोलना है प्लूरल फॉर्म में इसको बोला जाता है बैसिलाई प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे हम इसको Bacilli, ऐसा बोलेंगे एक ही होगा तो बैसिलस सिंगुलर एक से ज्यादा होंगे तो bacilli, ये किया जाता है, और इसका होता है अगर आपका कौन से शेप का है रॉड शेप का है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बैसिलस ऐसा बोलते हैं बेसिक्स है वापस बायोलॉजी के ओके रॉड शेप के बैक्टीरिया को आपको क्या बोलना है बैसिलस अभी मान लो कि यहां पे यू आर गेटिंग अ ओनली सिंगल बैक्टीरिया लाइक दिस इस तरह से एक सिंगल बैक्टीरिया यहां पे प्रेजेंट है ओके ये थोड़ा सा शेप हो रहा है इसको चेंज कर लेते हैं ठीक है वापस यहां पे मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं मान लो कि ये आपका एक रॉड है इस तरह पे. तो अगर सिंगल रॉड होगा इट विल बी नोन एज मोनोबैसिलस इसको क्या बोलना है आपको मोनोबैसिलस ऐसा बोलना है अभी मोनो का मतलब है सिंगल ये भी फिट कर लो दिमाग में मोनो मतलब सिंगल डाई या बाय का मतलब होता है टू ट्राई का मतलब होता है थ्री टेट्रा का मतलब होता है फोर ओके okay? तो सिंगल रॉड से बैक्टीरिया है तो क्या बोलेंगे उसको मोनोबैसिलस समाइम दे आर पाउंड इन पेयर्स कभी कभी आपको ये ऐसे पेयर्स में देखने को मिलेंगे मतलब एक ही जगह पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके दो अगर ये पेयर में आपको दिख रहे हैं दे आर कॉल्डो डिप्लो का मतलब लेना है टू प्लूरल फॉर्म क्या है बैसिलाय क्योंकि अभी एक से ज्यादा हो गए एक ही था तो मैंने वर्ड यूज किया बैसिलस ओके okay? अभी दो हो गए प्लूरल फॉर्म आ गया तो मैंने आगे बैसिलाय लगा दिया दो के लिए बायोलॉजी में two for two in biology we are using the word diplo okay then kabhi kabhi you can find this in the form of a chain ye aapko aise chain ke form mein dekhne ko mil sakte hain agar chain ke form mein hain they are known as streptobacilli इनको आपको क्या बोलना है स्ट्रेप्टोबैसिला ऐसा बोलना है strip का मतलब होता है chain. तो ये तीन type होते हैं अगर एक होगा तो monobacillus अगर दो होंगे तो डिप्लोबैसिल आए ओके okay, अगर चेन के फॉर्म में होंगे तो क्या बोलना है स्ट्रेप्टोबैसिलस दूसरा टाइप देख लेते हैं ओके okay, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया हियर इज नोन एज कोकस इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है कोकाई सिंगुलरली क्या बोलना है कोकस ऐसा बोलना है और जो प्लुरल फॉर्म है वो क्या है आपका कोकाई एंड दिस इज पेरिकल शेप बैक्टीरिया अगर आपका बैक्टीरिया कौन से शेप का है स्पेरिकल शेप का है तो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया को आपको क्या बोलना है कोकस ऐसा बोलना है सिंपल अभी इसके भी आगे टाइप है जैसे कि पहला टाइप यहां पे देख लेते हैं ओके मान लो कि एक सिंगल बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट है सिंगल स्पियर के फॉर्म में ओके तो कौन बताएगा मुझे सिंगल के लिए हम एक मैं लिख देता हूं यहां पर यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे मोनो अब ये स्पेरिकल शेप है तो आगे में लिखूंगा कोकस बहुत सिंपल है अगर एक ही होगा तो उसको क्या बोलना है आपको मोनोकोकस ऐसा बोलना है ओके देन सपोज ये पेर में है एक जगह पे दो बैक्टीरिया है चलो आंसर करो क्या बोल सकते हैं इसको ऊपर का जो लॉजिक है वो लगाना है आपको Yes। कोई बताएगा मुझे क्या नाम बनेगा यस yes, वेदिका में शो करने वाला हूं डोंट वरी लेकिन फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं पहले इसका आंसर बताओ संस्कृति यू आर क्वाइट क्लोज टू द आंसर लेकिन कोकस नहीं अभी प्लूरल फॉर्म होगा ना तो क्या बनेगा वो वेरी गुड सब लोगों का आंसर आ गया है ओके okay, यहां पे लिख देता हूं ये होगा डिप्लो क्या बोलेंगे इसको हम डिप्लो ऐसा बोलने वाले हैं सिंपल ओके नाव समाइम दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन ये भी आपको कौन से फॉर्म में दिखेंगे चेन के फॉर्म में अगर चेन के फॉर्म में होंगे तो चलो बोलो आंसर करो क्या आएगा चेन के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा चेन के लिए क्या वर्ड यूज किया था मैंने ऊपर यस yes. सब लोगों ने आंसर किया है इसका वेरी गुड चलो इसको बताओ क्या बात है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है चेन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं वर्ड स्ट्रेप्टो फॉर्म है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा कोकाय तो डेफिनेटली इसको हम क्या बोलेंगे कोकाय ऐसा बोलेंगे कुछ लोग कोकस लिख रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है वापस एक बार बोल रहा हूं अगर सिंगल होगा एक ही होगा तो कोकस एक से ज्यादा होंगे तो उसके लिए क्या होता है कोकाय तो यहां पे डिप्लो कोकाय और क्या आ गया स्ट्रिप्टो कोकाय एक और यहां पे है इंटरेस्टिंग सम टाइम दे आर लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स ये जो बैक्टीरिया है ये किसकी तरह लिखेंगे आपको ग्रेप्स की बंच की तरह उनका अगर अरेंजमेंट है so this arrangement is called इसको क्या बोलना है आपको? ऐसा बोलना है है, आपको? ऐसा तो ये हो गया आपका second shape of the bacterial cell, okay, जो है आपका कोकस ओके okay, अगला कौन सा है थर्ड कैटेगरी कौन सी है ओके okay, तो इसको हम बोलने वाले हैं वाइब्रियो ये है तीसरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द शेप ओके और इसको प्लूरल फॉर्म में आपको लिखना है वाइब्रियोस सिर्फ एस लगाना है बाकी कुछ नहीं करना है वाइब्रियो है वाइब्रियो को प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे हम वाइब्रियोस और इसका मतलब होता है क्वामा शेप बैक्टीरिया यू कैन फाइंड सम बैक्टीरिया लाइक दिस कुछ बैक्टीरिया आपको इस तरह देखने को मिलेंगे इस तरह का शेप हो सकता है बैक्टीरिया का

ओके okay. और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है स्पाइरिला अगर एक ही होगा तो क्या बोलना है स्पाइरिलम बोलना है और अगर एक से ज्यादा होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे स्पाइरिला ऐसा बोलेंगे और इसका मीनिंग होता है स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया और आई कैन से बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्प्रिंग की तरह दिखते हैं या फिर उनका जो शेप है वो किसकी तरह होता है स्पाइरल शेप होता है तो ऐसे शेप को हमको क्या बोलना है स्पाइरिलम और ये हो गए आपके फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप बहुत सिंपल सा टॉपिक था शेप के हिसाब से बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म बैसिलाई इसका मतलब है रॉड शेप ऑफ बैक्टीरिया एक ही होगा तो मोनोबैसिलस पेयर में होंगे तो बोलना है फॉर्म में होंगे तो okay, कोकाई इसका मीनिंग है शेप बैक्टीरिया ओके अगर सिंगल होगा तो मोनोकोकस पेयर में होंगे तो चेन तो, और और like okay, तो बैक्टीरिया को बोलना है वाइब्रियो और स्प्रिंग शेप के बैक्टीरिया को बोलना है स्पाइर चलो यहां तक क्लियर है सब लोगों को यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं yes. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में फटाफट सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं यस yes. चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है वेरी गुड सब लोगों को समझ में आ गया है सो दैट आई कैन रिमूव फ्रॉम द बोर्ड नाउ चलो इसको बोर्ड से हटा देते हैं ओके okay, और आगे का जो पार्ट है आपका वो देख लेते हैं ओके, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो सेल जो प्रो सेल है उसका क्या स्टडी करने वाले हम स्ट्रक्चर और जैसे मैंने बोला आपको कि प्रो सेल में जो एग्जाम्पल है वो है आपका बैक्टीरिया तो चलो देख लेते हैं इमेज कुछ लोगों को देखना था तो पहले तो बैक्टीरिया की इमेज दिखा देता हूं ओके और फिर ये देखो ये आपके सामने है चलो ये एक इमेज आपके सामने में लाने वाला हूं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ठीक है दूसरा देखते हैं ये बड़ा नहीं हो रहा है चलो ये एक इमेज है देख लेते हैं ठीक है चलो ये बड़ा हो चुका है तो ये आपके सामने है ये आपके बैक्टीरिया बता दो तो ये कौन से टाइप के बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको चलो अभी मैंने आपको शेप्स पढ़ाए बैक्टीरिया के यस शेप्स के बारे में पढ़ा था हमने तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया है ये बताओ चलो जल्दी जल्दी कुछ लोगों को बैक्टीरियल सेल या फिर बैक्टीरिया देखने थे तो इस तरह के दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे येस। अभी शेप मत बताओ नाम बताओ नाम यस तो ये जो बैक्टीरिया आपके सामने है ये किस तरह के बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको बैसिलस करेक्ट है चलो ओके और अगर देखना है देख लेते हैं अगर कोई स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया हमको दिख रहा है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं ये देखो यहां पे ये आपके सामने एक और इमेज है तो चलो अभी बताओ ये किस शेप का बैक्टीरिया है जल्दी जल्दी बताना है वेरी गुड ये है आपका बैसिलस ओके स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया जो होता है वेरी गुड तो हम इसको क्या बोलते हैं बैसिलस बैसिलस कुछ लोगों ने आंसर किया सॉरी फॉर दिस इट्स माई मिस्टेक ओके किस तरह का बैक्टीरिया है स्पेरिकल शेप है तो स्पेरिकल शेप को क्या बोला था कोकस नॉट बैसिलस बैसिलस रॉड शेप है ओके okay. और ये स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया है जिसको क्या बोल रहे हैं हम कोकस ऐसा बोल रहे हैं ओके okay. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है अभी हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं हमको स्ट्रक्चर स्टडी करना है स्ट्रक्चर के लिए भी मुझे इमेज की जरूरत पड़ेगी ओके okay. वो इमेजेस ले लेते हैं ओके okay. तो देखते हैं कौन सा इमेज हमको मिलता है ठीक है ये इमेज हमको ज्यादा बेटर रहेगा फॉर द ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और इसको इस साइड में रख देता हूं सो दैट वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल तो ये एक टिपिकल डायग्राम है कौन से सेल का प्रो कैरियोटिक सेल का जो आज हम पढ़ने वाले हैं ओके okay, तो सबसे पहले इस प्रो कैरियोटिक सेल के बारे में सबसे पहला पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हम एंड द फर्स्ट पार्ट हियर इज नोन एज सेल एनवेलप इसका जो पहला पार्ट है उस पार्ट को क्या बोलने हम सेल एनवेलप ऐसा बोलेंगे और इसका मतलब होता है द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल की जो आउटर कवरिंग है उस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम सेल एनवेलप ऐसा बोलते हैं तो ये जो यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रहा है ओके, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बाद में एक येलो कलर का दिख रहा है और फिर अंदर रेड कलर का है तो ये ये तीनों तीनों के तीनों जो है, ये है, एक्चुअली सेल वापस एक बार रिपीट कर इट कंसिस्ट ऑफ थ्री जो है आपका ये तीन लेयर से बना होगा ओके okay, तीनों के तीनों के नाम यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले आता है आपका ग्लाइको सबसे बाहर क्या होता है आपका ग्लाइको उसके बाद मिडल लेयर को बोला जाता है सेल वॉल और सबसे अंदर के साइड में होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये तीन लेयर है मैं बोल रहा हूं सेल एंडवेलप इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल

शुगर वर्ड्स को स्प्लिट करना है ओके okay, इसके अंदर प्रोटीन भी हो सकते हैं इन सम बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स इज लूज कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ये मैं बोल रहा हूं कैसा होता है लूज होता है अगर ये लूज होगा इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर मान लो ये बैक्टीरिया है और ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स लूज दिख रहा है अगर ये लूज है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं स्लाइम लेयर कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर इट इज टफ इस तरह का होगा टफ है एकदम बिल्कुल भी लूज नहीं है कहीं पे ओके अगर ये टफ होगा ओके तो इसको आपको बोलना है कैप्सूल क्या बोलेंगे इसको आप कैप्सूल ऐसा बोलेंगे सिंपल तो दो कंसेप्ट है अगर लूज होगा तो स्लाइम लेयर अगर टफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम कैप्सूल ऐसा बोलेंगे ओके देन नेक्स्ट पॉइंट अगला जो कंसेप्ट है आपका इसका फंक्शन क्या है इट हेल्प द बैक्टेरिया इन द प्रोसेस ऑफ अधन बैक्टीरिया को ये कहां पे मदद करता है adhesion की प्रोसेस में और एक बेसिक वर्ड आ गया अदेजन क्या होता है छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ओके okay, मान लो कि आई हैव गॉट दिस ग्लास ऑफ वाटर ओके इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पे आपको मिलेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ ही मैंने ड्रॉ किया है ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि मैंने यहां पे अंदर ऐसा हाथ डाला और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के बाहर निकाल लिया दिस इज नॉट पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच विद विदिच ऑर्डर बाय वन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोहेजन उस अट्रैक्शन के फोर्स को क्या बोलते हैं हम कोहेजन ऐसा बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेकिन ऐसा भी होता है कि ग्लास के सरफेस के ऊपर यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है है ग्लास जो उसके सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि सरफेस को छोड़ के थोड़ी दूर होंगे वो सरफेस के ऊपर होते हैं तो डेफिनेटली वो जो ग्लास है ओके okay, उसका जो सरफेस है उसके अंदर अलग मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर आपका वाटर मॉलिक्यूल है

ओके okay, अगर ये लूज होता है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर अगर ये टफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं कैप्सूल और यहां पे मैंने बताया इसका मेन फंक्शन होता है ओके okay, चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे ओके okay, अगला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं जस्ट मिनट जो दूसरा लेयर है यहां पे अभी के दैट लेर इज नोन एज यू कैन सेलबॉल सो नाव जब हम सेलबॉल की बात कर रहे हैं सो दिस बी दिडल लेयर इन द सेल एंड आपके सेल एंडलप का जो मिडल लेयर होता है ओके okay, उसको आपको क्या बोलना है सेलबॉल एंड दिस सेलबॉल इज केमिकली मेडअप ऑफ पेप्टीडो ग्लाइके भी बहुत सिंपल है अभी पेप्टीडो का मतलब होता है प्रोटीन ग्लाइकेन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट पेप्टिडो का मतलब क्या है प्रोटीन ग्लाइकेन का मतलब क्या लेना है कार्बोहाइड्रेट सो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सर है ये मटेरियल का नाम बनता है ओके, ये कौन से बैक्टीरिया में होता है यू बैक्टीरिया के अंदर यू का मतलब अभी बताया मैंने ट्रू बैक्टीरिया ओके एंड इट हैज सीडो इन आर्कीबैक्टीरिया एक और मटेरियल है मटेरियल का नाम क्या है सीडोपेप्टीडोग्लाइके और यह आपको कौन से बैक्टीरिया में मिलेगा आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है एंशियंट सबसे पुराने बैक्टीरिया अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने थे वो आर्की बैक्टीरिया है ओके okay? तो आर्की बैक्टीरिया में सेलबॉल सीडोपेप्टीडोग्लाइके बनाए और यू बैक्टीरिया में पेप्टीडोग्लाइके बनाया

तो एक्चुअली क्या है वो आर्टिफिशियल शुगर है जिसको सैक्रीन बोलते हैं आर्टिफिशियली बनाया हुआ शुगर है जिसको क्या बोलते हैं ओके मैं बोल रहा हूं, ये शुगर की तरह है शुगर की तरह स्वीट है लेकिन एक्चुअली वो शुगर नहीं है तो ये सीडो शुगर हो गई मतलब वो सिर्फ आपको शुगर की तरह प्रॉपर्टीज दिखाएगा शुगर की प्रॉपर्टी क्या है सबसे अच्छी ओके तो वो मीठी होती है

और ये जो आपका प्लाज्मा मेंब्रेन है ओके okay, मैं बात करूंगा इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवल सबसे अंदर का लेयर होता है डायग्राम में आपको यहां पे दिख रहा है शोन इन द रेड कलर ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो आपका कौन है सॉरी प्लाज्मा मेंब्रेन दूसरा जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो है आपकी सेल सेलबॉल और सबसे बाहर रेड कलर में जो दिख रहा है वो है आपका ग्लाइको तो यह सबसे अंदर का ग्रीन कलर का जो लेयर है जिसको मैंने नाम दिया है प्लाज्मा

क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन देखो आपने स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है दो चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं ओके okay, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्लोरोप्लास्ट और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए माइटोकॉन्ट्रिया लेकिन ये दोनों चीजें बैक्टीरिया में एबसेंट होती है क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ओके okay, अगर फोटोसिंथेसिस करना है उसके लिए एक ऑर्गेनेल आपको चाहिए जो है क्लोरोप्लास्ट अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है सेल को तो उसके लिए आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों यहां करेगा कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं ये भी समझो कुछ लोगों की शुरुआत तो यहीं से हो जाती है कि सर बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस कर, कर सकते हैं कर सकते हैं जो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो मैं बात कर रहा हूं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो तो इट तो इज गोइंग तो टू हैपन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन हो रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए तो वो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो कहां पर हो रही है तो वो भी कहां पर हो रहा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यह क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैक्टीरियल सेल डोंट हैव देन व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन वहाँ पे रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है तो मैं बोल रहा हूं उसका जो रेस्पिरेशन का साइट है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके तो ये यहाँ पे आपका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया बैक्टीरियल सेल का जिसको मैंने नाम दिया था सेल एनवलप ओके तो बता दो अभी सेल एनवलप समझ में आ गया सब लोगों को यहां तक किसी को कुछ डाउट है अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो चलो लास्ट के टेन मिनट्स में हम एंटर कर चुके हैं आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देखने वाले हैं अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में होगा जैसे मैंने कल भी बताया था आपको हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं तो चलो चलो और किसी को कुछ डाउट्स है रोहि रोहिणी को कोई डाउट नहीं है मीत को नहीं है प्रतिभा सानिका को भी नहीं है वेरी गुड ऋतुजा वेदिका को भी कोई डाउट नहीं है क्या बात है वेदिका केशव को भी नहीं है मीट ये बैच आपके एक वीक के बाद डिवाइड हो जाएंगे सबसे पहले तो आपको सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा जैसे सर ने आपको बताया होगा ओके कि और एक दो दिन के बाद जो स्पेशल एंट्रांस टीच करने वाले फैकल्टीज है उनके भी लेक्चर लगेंगे और उनके तीन चार लेक्चर होने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से बैच में कंटिन्यू करना है जेई .E. में करना है नीट .E में करना है या फिर आपको सीईटी .E में करना है ओके okay, तो एक आठ दिन लगेंगे और आठ दिन के बाद डिवाइड हो जाएगा ओके okay, वेदिका कह रही है नो डाउट सर ऑल क्लियर वेरी गुड वेदिका संदेश को भी कोई डाउट नहीं है चलो और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। नहीं होकेले चलो किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो एक और काम करता हूं मैं ओके okay, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं ये जो कंसेप्ट उसके कुछ नोट्स हैंड रिटन नोट्स तो ये आपके ग्रुप के ऊपर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं एक नोटबुक बना लो बायोलॉजी की और उसके अंदर ये नोट्स को लिखना स्टार्ट कर दो सो so दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ओके okay, और एक और चीज कल आप शायद सब लोग अलग अलग ग्रुप में होंगे ओके okay, तो हर ग्रुप के अंदर हमने एक लिंक फॉरवर्ड किया है जिसके थ्रू आप एक्चुअल ग्रुप को अभी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि जो आपके एंट्रांस एग्जाम वाइज ग्रुप बने थे तो वो सारे ग्रुप हम दो दिन में रिमूव करने वाले हैं डिलीट करने वाले हैं तो अगर आप ये लेक्चर्स कंटिन्यू अटेंड करना चाहते हो तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो हमारा एक्चुअल ग्रुप अब हम बना रहे हैं उस ग्रुप में आपको हो जाना है आप खुद कर सकते हो आपके ग्रुप के ऊपर वो लिंक हमने भेजा हुआ है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइंट हो जाएंगे और जो आपका पुराना वाला ग्रुप है वो दो दिन के बाद पूरी तरह रिमूव कर दिया जाएगा ओके तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में लेंगे आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे थैंक यू वेरी मच